सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ आरटीएम क्रिएटर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का माइलस्टोन और सेलिब्रेशन पोस्टर बनाने वाले हैं, वो भी अपने एंड्रॉइड फोन से। सो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो में जितने भी मटेरियल यूज़ होने वाले हैं आपका लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पर एडिट कर लेंगे हम लोग। तो सिंपली मेरे को 500 लिखना है तो फाइल लिख देता हूँ पहले। फाइल लिख के यहाँ से डन करके इसका फॉन्ट विंडी चेंज कर देंगे हम लोग। तो फॉन्ट पहले हम लोग चेंज कर देते हैं। ये फॉन्ट का नाम है कॉमिक्स, तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पैक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमिक्स लिख देता हूँ, फिर यहाँ से डन करके ये वाला फॉन्ट है वो। देन इसको करने के बाद आपको इस पर 3D इफेक्ट दे देना है। तो यहाँ से 3D इफेक्ट देके इसको अनेबल करना है, और नीचे जाकर यहाँ पर वायर रोटेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैं 15-16 रख देता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। देन ये बढ़ाने के बाद इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से 500 मेरे को लिखना है तो और 2 जीरो चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली 0 लिख कर इसका वैल्यू चेंज करके डन कर देता हूँ। देन ओके, देन इसको हम लोग कुछ कॉपी कर लेंगे दो बार नहीं करना था मेरे को, एक ही बार करना है। देन इसको एडजस्ट कर लेंगे सिंपली, मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देन हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया है, आप स्क्रीन पर देख के एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइस, इसको तीनों को मर्ज डाउन कर देना है एक में, तो हम लोग मर्ज डाउन कर देते हैं। देन ओके पर क्लिक कर देना है, यहाँ से मर्ज डाउन हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और जो हमारे दो बाकी दो टेक्स्ट है वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली न्यू टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम फॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे को लिखना है थैंक यू सो मच, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख लेता हूँ थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, तो फॉन्ट चेंज करने इसका नाम मेरे अकीरा नाम है, तो ये फॉन्ट का नाम आप उसको डिस्क्रिप्शन में से भी इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ से अकीरा मैंने लगा दिया है। देन इसका हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट लेयर कर देंगे, एक डुप्लीकेट लेयर करके जो हमारा सेकंड टेक्स्ट रहेगा वो सेकंड टेक्स्ट लिख देंगे। तो हमारा जो सेकंड टेक्स्ट है वो है यूट्यूब फैमिली, तो हम लोग सिंपली इसको लिख लेते हैं यूट्यूब फैमिली। देन आ गया, तो इसको हम लोग डन कर देंगे यहाँ से ओके। तो इसको एडजस्ट कर देंगे, हम लोग चैनल का नाम भी लिख देंगे अपने, ताकि मतलब नीचे की तरफ जैसे कोई डिज़ाइन करता है तो डिज़ाइन बाय ऐसा लिखा रहता है, तो हम लोग अपने चैनल का नाम भी लिख लेते हैं यहाँ से, तो RTM क्रिएटर लिख देंगे हम लोग। देन ओके, देन इसको भी एक फॉन्ट दे देंगे कोई थीम कलर का। तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ कोई भी फॉन्ट, तो यहाँ पर ये फॉन्ट दिख रहा है, तो मैं इसे एनेबल करके इसको नीचे की तरफ एडजस्ट कर देता हूँ। देन इसको हम लोग को ट्रांसपेरेंट करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, तो सेव सिंपली अल्ट्रा पे करके हम लोग को सेव टू गैलरी कर देना है। देन गाइस, आपने पीएस टच में आ जाना है। पीएस टच में आपको क्या करना है, इसके बाद पीएस टच में आकर जो 2000x2000 का जो आपको प्रोजेक्ट ले लेना है, देन ओके पर क्लिक कर देना है। देन आपको जो भी एम्प्टी लेयर मिलेगी उसको हम लोग कलर फिल करके उसको ब्लैक कलर से कलर फिल कर देना है। तो सिंपली हम लोग फिल इन स्टॉक पे चले जाते हैं, यहाँ से कलर को चेंज करके हम लोग वाइट को ब्लैक कर देते हैं। देन नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको फोटो लेयर पे जाके आपको यहाँ से एक टेक्स्चर ले लेना है। तो मेरे पास एक टेक्स्चर है, मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्चर लेके इसको एक्सटेंड कर देंगे पूरे स्क्रीन पर, और इसको राइट कर देंगे ओके। करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो अपोसिटी है उसको पहले लीनियन डॉच कर लेना है, देन अपोसिटी को हम लोग को कम कर देना है। तो हम लोग 32-35 के अप्रॉक्स रख देंगे इसकी अपोसिटी। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर टिंट में चले जाना है, टिंट में जाकर इसकी ल्यूमिनसिटी को हाई रखना है, लो नहीं करना है, मैं हाई दिखाया मतलब लो दिखाया लेकिन आपको हाई ही रखना है। तो यहाँ पर सिंपली इसको कलर सिलेक्ट करना, मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ, तो कलर लेने के बाद इसको लाइट कर देता हूँ। देन आपको ल्यूमिनसिटी को हाई कर देना है, देन आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के अकाउंट पर क्लिक करके इसका थोड़ा पहले इसका अपोसिटी लो कर देना थोड़ा, फिर जो आपको फोटो लेयर में जाकर इसके बाद आपको जो बॉर्डर रहेगा अपना, जो भी बॉर्डर आपने डाउनलोड किया रहेगा वो बॉर्डर को ले लेना है। सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक बॉर्डर है तो मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ पर नेचर में जाकर। हाँ, तो ये वाला है हमारे लिए बॉर्डर, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ऊपर की साइड में। सो गाइस, हम लोग फटाफट इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने एडजस्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से, इसको एडजस्ट कर लिया है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है, और इसको ट्रांसफ़र कर देना है नीचे की तरफ। तो हम लोग इसको फ्लिप बैक कर देंगे एक, और नीचे की तरफ इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, इसका जो क्या बोलते हैं ब्लेंड मोड, इसको पहले तो हम लोग दोनों को मर्ज डाउन करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टिंट दे देंगे येलो कलर से। देन राइट कर देंगे, इसका ल्यूमिनसिटी हाई ही रखना है आपको, याद रहे।
देन राइट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो ब्लेंड मोड है उसको ना हम लोग को लीनियन डॉच कर देना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से राइट कर देता हूँ, यहाँ से फिर चले जाता हूँ ब्लेंड मोड में। देन हम लोग इसको ब्लेंड मोड को हम लोग कर दें लीनियन डॉच, जिससे थोड़ा सा ग्लो मिल जाएगा हम लोग को। देन आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से फोटो लेयर में चले जाना है। जो भी अपना जो मेरे पास नियॉन ओवरले है तो मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ से। उससे पहले मैं पार्टिकल ले लेता हूँ, तो पार्टिकल को आपको रोटेट करके यहाँ से मैं नीचे से डाल देता हूँ, ताकि वो लगे कि मतलब नीचे से ग्लो आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको पूरे स्क्रीन पर एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। देन आपको इसको स्क्रीन मोड पर रख देना है। स्क्रीन मोड पे रख देने के बाद इसकी अपोसिटी हम लोग को नीचे कर देनी, अपोसिटी डाउन में कर देनी है। मैं यहाँ पर 16 to 20 के बीच में रख देना है, और इसकी अपोसिटी भी हम लोग को कम करके 9 तक। देन आपको क्या करना है, जो भी हमारा रहेंगे एक्स्ट्रा उसको मर्ज डाउन कर देंगे। खाली एक बॉर्डर का और एक बैकग्राउंड का, दो लेयर बन जाएगी हमारी, बाकी सबको मर्ज डाउन कर देंगे। फोटो लेयर में जाएंगे, यहाँ से हम लोग ने एक नियॉन ओवर ले लिया है उसको, मतलब ताकि बैकग्राउंड हमारा भरा भरा लगे। इसके लिए हम लोग नियॉन बैकग्राउंड डाला है, इसका टिंट विंट दे के जो भी रहेगा हम लोग इसको डुप्लीकेट करके एडजस्ट कर देंगे अपने स्क्रीन पर। तो गाइस इतना आप कर सकते हैं। देन आपको फोटो लेयर में चले जाना है, यहाँ से आपको अपना टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ पर सिंपली मैं टेक्स्ट ढूंढ लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट ले लिया हमने। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर सिलेक्शन टूल ले लेंगे पहले। तो यहाँ से नीचे से स्क्वायर सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जो जितने भी फॉन्ट्स है उसको मतलब टेक्स्ट है सबको अलग अलग करना है लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके। सिंपली मैं सबको अलग अलग कर लेता हूँ यहाँ से, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन। देन लास्ट में हम लोग सबको सिलेक्ट करके एक साथ क्लियर कर देंगे। तो गाइस हमारा सब हो गया। तो हम लोग 500 को छोड़ के सारे को हाइड कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग 500 को एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पर 500 पे जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देंगे, इसको मिडिल में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है मेरे को, तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ सिंपली। सो गाइस इतना होने के बाद हमको जो सेकंड लेयर सेकंड टेक्स्ट है उसको भी अनहाइड करना है। पहले हम लोग इसको टिंट दे देते हैं, टिंट देने के बाद फिर हम लोग जो हमारा सेकंड लेयर सेकंड टेक्स्ट रहेगा उसको ले अनहाइड कर देते हैं। देन इसको भी हम लोग यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेंगे। तो सॉरी गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला हो गया। पहले तो हम लोग इसको अनहाइड कर देते हैं, ऊपर वाले को भी इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे ऊपर की तरफ, और इसको छोटा कर देंगे। जैसे हमारा 500 लिखा है उस पोजीशन में उसको ऊपर डालना है। तो हमारा 500 कुछ इस तरह से मतलब उसके अंदर ही आ जाना चाहिए अप्रोक्स। तो हमने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लिया है। हाँ तो इतना काफ़ी रहेगा। देन हम लोग को यहाँ पर सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और फॉन्ट वो होगा लेटर, उसको भी ले लेना है, और इसको हम लोग को थोड़ा सा छोटा करके मिडल में एडजस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके मिडल में डाल देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो चुका है। देन आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट फाइल है वो सारी एडिट हो गई है कुछ अच्छी तरीके से। देन आपको क्या करना है, यहाँ से फोटो लेयर में चले जाना है। यहाँ से आपको कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको ब्रश टूल, या मतलब मैं यहाँ पर ब्रश लगा के लिखा है, मैं यहाँ से ओवरले कोई भी ले लेना है। देन आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ मतलब जो बॉर्डर खाली खाली लग रहे हैं ना उसको भरने के लिए मैंने ये डाला है एक्चुअली। तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो और इसको और भी तगड़ा बना सकते हो। सो इसको हम लोग टिंट दे देते हैं येलो कलर से। देन इसकी ल्यूमिनसिटी तो हाई रहेगी, और ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा ऊपर रहता तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा ऊपर। हाँ नहीं ये फिर हट गया। हाँ तो गाइस ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी डुप्लीकेट लेयर बना देंगे। डुप्लीकेट सॉरी गाइस ये मर्ज है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे जाकर कुछ पहले मर्ज डाउन कर लेते हैं। हाँ तो ये मर्ज डाउन इसको कर लेते हैं। देन मर्ज डाउन करने के बाद उसके ऊपर जाकर उसका डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इसको भी ट्रांसफर सिलेक्ट करके इसको भी फ्लिपाए दे के हम लोग नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन आपको क्लिक कर देना ओके पर, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ग्लो इफेक्ट होता है ना वो दे देना। तो हम लोग सिंपली जो एक्स्ट्रा है पार्ट्स है हम लोग सिंपली सबको मर्ज डाउन कर देंगे। अब फिर हमारा जो लास्ट में जो टेक्स्ट बचेगा उसको जो वाइट वाला टेक्स्ट है उसको अलग करके मर्ज डाउन करेंगे, और जो हमारा जो 500 है उसको अलग करेंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ से अपने जो मेन टेक्स्ट है उन लोग को मर्ज कर लेते हैं, तो वाइट वाले, तो हम लोग इसको सिंपली मर्ज डाउन कर लेते हैं ये दोनों टेक्स्ट है। सो तीनों टेक्स्ट को हम लोग सिंपली मर्ज डाउन कर देंगे। तो मर्ज डाउन दो बार हम लोग कर लिया, हमारा ये हो गया। देन इसका हम लोग डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद एफएक्स में जाकर इसको दो बार गॉजियन ब्लर दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एक बार गॉजियन ब्लर दे दिया, देन ओके कर देंगे। फिर एक और बार हम लोग इसको गॉजियन ब्लर दे देंगे, देन ये हो गया। इसको हम लोग लीनियन डॉच करके इसको भी मर्ज डाउन कर देंगे, या फिर बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा। तो देन हम लोग ये हो गया। देन इसको नीचे लेके आ जाएंगे हमारे जो टेक्स्ट के,
देन इसको हम मर्ज डाउन कर सकते हैं। तो मर्ज डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाला 500 है उसका हम लोग को डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इसका भी हम लोग को एफएक्स में जाकर गॉजियन ब्लर अप्लाई कर देना है। तो गॉजियन ब्लर अप्लाई कर दिया जैसे हमने, और इसको लीनियन डॉज कर देंगे। लीनियन डॉज करने के बाद इसको हम लोग टेक्स्ट के नीचे लेके आ जाएंगे, तो कैसा दिखता है वो देखेंगे पहले। तो हम लोग इसकी अपोसिटी को भी 20 कर देते हैं, और इसको जो टेक्स्ट के नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे लगेंगे तो हल्का लग रहा है, तो ऊपर ही रहने देंगे तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। देन इसके बाद आपको ये लास्ट प्रोसेस हो गया। देन आपको जो है जो हमारा बॉर्डर है उसका डुप्लीकेट लेयर करके इसको भी लीनियन डॉज कर देना है, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा मेरे को लगता है, पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका थोड़ा जो बॉर्डर है उसका ग्लो बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से जो सिलेक्शन है वहाँ से ब्रश टूल ले लेना है। सिंपली ब्रश टूल लेके हल्का हल्का जो ब्रश मार देना है आपको ये बॉर्डर के ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ से एम्प्टी लेयर पर मारना है, याद रहे। तो एम्प्टी लेयर लेके मैं एम्प्टी लेयर पर यहाँ से ब्रश मार देता हूँ हल्का हल्का। तो गाइस आप भी जहाँ जहाँ आपको ग्लो चाहिए रहेगा तो वहाँ वहाँ ये ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो ग्लो लाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर मार लिया मैंने, और सिंपली टेक्स्ट पर भी मार देता हूँ थोड़ा हल्का हल्का ग्रो के लिए बस। देन ब्रश मारने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर गॉजियन ब्लर कर देना है। गॉजियन ब्लर करने के बाद ये जो लेयर उसको लीनियर डॉज करके इसको सिंपली आपको सेव कर देना, ताकि देखो अच्छा ग्लो आ गया। तो हम लोग इसको सिंपली सेव कर लेते हैं।